प्रदेश में लगातार कोरोना का आतंक बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में आज 4 और कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए। प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 83 पर पहुंच गई है। आपको बता दें, राजधानी के एसएमएस के आईसीयू में भर्ती एक मरीज कोरोना का पॉजिटिव पाया गया। राजधानी जयपुर में 21 मरीजों की संख्या यहां पहुंच गई है। झुंझुनू जिले की अगर बात की जाए तो दुबई से एक व्यक्ति जो वहां पहुंचा वो भी कोरोना पॉजिटिव। अजमेर में मरीज की बहन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। डूंगरपुर में मरीज के परिवार का व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और इसी के साथ राजस्थान में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 83 पर पहुंच चुकी है। बेहद चिंताजनक अब ये स्थिति यहां पर बनती जा रही है और पूरे देश में इस वक्त ये स्थिति वैसे भी गंभीर माहौल धारण कर चुकी है। प्रदेश में भी अब 83 केसेस सामने आ गए हैं। राजधानी जयपुर में 21 और 4 नए केसेस आज सामने। राजधानी जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। झुंझुनू में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया जो कि दुबई से बताया जा रहा है कि दुबई से यहां पर लौटा है। अजमेर में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव कल पाया गया था, उसकी बहन को भी बताया जा रहा है कि संदिग्ध मानकर आइसोलेट अब कर दिया गया है। लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर देखने को यहां पर मिल रहा है। चूंकि लॉकडाउन का आज 7वां दिन है, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए एवन संवाददाता लोकेश ओला न्यूज रूम से हमारे साथ फिलहाल लाइव जुड़ चुके हैं। लोकेश, आपसे जानना चाहूंगी, बेहद ही भयावह स्थिति अब प्रदेश में भी होती जा रही है। कुछ लोगों की नासमझी कहे या फिर कहे कि लापरवाही का नतीजा खुदा ना खास्ता यहां पर काफी ज्यादा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कल भी अगर देखा जाए तो 10 केसेस सामने आए। रामगंज का जो व्यक्ति यहां पर पॉजिटिव बताया जा रहा था, उसी के परिवार के 8 सदस्य यहां पर पॉजिटिव पाए गए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही ही देखने को मिल रही है। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को यहां पर छुपाया गया और उसका नतीजा उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है। 4 भी केसेस आज सामने आए, उसमें भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि लापरवाही साफ तौर पर खुले तौर पर यहां पर है। अपने ही घर में लोग, परिवार के अंदर ही लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरी चीज को? जी बिल्कुल, ये सही है कि अब प्रदेश में भयावह की स्थिति बनती जा रही है। बात करें तो जयपुर भीलवाड़ा के बाद में अब जयपुर में भी स्थिति इनकी भयावह बनती जा रही है। जयपुर के रामगंज में ही 13 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जो एक बड़ी संख्या जो नजर आ रही है। इसी के साथ में भीलवाड़ा की बात करें, भीलवाड़ा में 26 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं जयपुर में अब तक कुल 21 जयपुर में भी कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। आज 4 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आए, उनमें एक जयपुर का भी है, जो भी 60 वर्षीय जो युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है व्यक्ति, वो भी जयपुर के रामगंज का ही रहने वाला है। लगातार कोरोना के पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने गंभीरता से इनकी स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। बात करें तो जो देर रात तक हमारे पास आंकड़े आए, तो तकरीबन जयपुर शहर में 10 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। उनके जो सैंपल है, उन जो संबंधित जिनके सिम्टम्स आ रहे थे उनकी स्क्रीनिंग करके उनको उनके सैंपल लिए गए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से लगातार कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, अजमेर की बात करें तो अजमेर में 5 जो कोरोना के पॉजिटिव अब तक मिले हैं वो एक ही परिवार के सभी सदस्य हैं। इसी तरह बात करें झुंझुनू में अब तक 8 कोरोना के पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जो एक बड़ी संख्या है। चूरू में जो एक महिला कोरोना पॉजिटिव पूर्व में पाई गई थी, वो एक गाँव से इनकी बिलोंग कर रही थी और वहाँ पर कोरोना के पॉजिटिव जो सामने आई है। इसी तरह ईरान से जो भारतीयों को लाया गया था जोधपुर और जैसलमेर, उनमें भी 7 कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आए, जिनमें आज एक कोरोना का पॉजिटिव सामने आया है, वो भी पूर्व जो पिता और पुत्र कोरोना पॉजिटिव थे उन्हीं के परिवार का सदस्य है। इसी तरह लगातार प्रदेश में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब कुल आंकड़े 83 हो चुके हैं कोरोना के पूरे राजस्थान में, और जो चिकित्सा विभाग है इस पर गंभीरता से काम कर रहा है। हालांकि मुस्तैदी से काम करते हुए पूरे प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में करीब 4 करोड़ के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, ताकि वो डोर टू डोर जाकर वहाँ पर इनकी लोगों के स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उनके खांसी जुकाम से जो कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी लिस्टिंग तैयार की जा रही है, और इसी के साथ जहाँ जहाँ पर एक बार स्क्रीनिंग हो चुकी वहाँ पर दोबारा स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि पूर्व में चिन्हित किए गए जो संबंधित सिम्टम्स के जो मरीज थे उनकी वापस इनकी सैंपल लेने की कोशिश की जा रही है। कि जो जो इनकी अब सिम्टम्स आ रहे हैं पुनः उनके सैंपल ले जा रहे हैं, उनकी जाँच की जा रही है। हालांकि यहाँ पर एक और एक अच्छी बात है कि भीलवाड़ा में जो अब तक 26 कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले थे, उनमें से 11 की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है,
यानी कि कुल अब तक जो प्रदेश में जितने कोरोना के पॉजिटिव मिले हैं उनमें से 17 कोरोना के पॉजिटिव की रिपोर्ट इनकी नेगेटिव हो चुकी है, उनमें से 7 को तो इनकी डिस्चार्ज कर दिया गया है, यानी कि उनको घर भेज दिया गया है, उनको होम आइसोलेशन के लिए कहा गया है। इसी तरह बात करें तो प्रदेश में लगातार कोरोना के जो मरीज सामने आ रहे हैं, चिकित्सा विभाग ने गंभीरता से काम करते हुए पूरे प्रदेश के जो जिला मुख्यालय हैं उनमें अलग से इनकी आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, साथ ही साथ पूरे प्रदेश में करीब 83 से अधिक जो हॉस्पिटल है उनको अधिकृत किया गया है। जयपुर जिले में भी कई निजी हॉस्पिटल है उनको अधिकृत किया गया है कोरोना के लिए, साथ ही निर्देशित किया गया है कि वहाँ पर किसी भी तरह के अन्य बाहरी मरीज को भर्ती नहीं किया जाए, कोरोना के लिए वो रिजर्व रखे गए हैं ताकि कभी भयावह स्थिति होती है तो वहाँ पर कोरोना के जो मरीजों का इलाज के लिए वहाँ पर शिफ्ट किया जा सकेगा। इसी तरह बात करें तो मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश में 1,00,000 जो क्वारंटाइन बनाने के निर्देश दिए गए थे उनमें से करीब 17,000 के करीब क्वारंटाइन अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं। वहीं जयपुर जिले में भी 10,000 का निर्देश दिया गया तो वो लगभग बनकर तैयार हो चुके हैं ताकि आगामी जो अभ्यावक की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर जो संदिग्ध मरीज है उनसे संपर्क में आने वाले को वहाँ शिफ्ट किया जाए। वहीं एक और मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह से जो बाहरी जो मजदूर थे वो प्लान कर रहे थे हमने और उनको भी केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद में उनको जहाँ थे वहीं रोक दिया गया, उनके लिए अलग अलग जगह कैंप बनाए गए हैं, कैंपों में उनको रखा गया है। बात करें जयपुर जिले की, जयपुर जिले में तकरीबन जयपुर शहर में 47 के करीब कैंपर कैंप बनाए गए हैं जहां पर उन जो मजदूर और गरीब और बेघर लोगों को वहां पर रखा गया है। साथ ही उपखंड क्षेत्र जो मुख्यालय वहां पर भी एक एक जो कैंप बनाए गए, वहां पर जो लेबर क्लास जो लोग थे जो घरों से बाहर रहते थे उनको भी वहां पर रखा गया है ताकि किसी तरह के उनकी जो अनहोनी हो रही है उसको रोका जा सके, कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है लगातार जिला कलेक्टर, जिला एसपी और जो चिकित्सा अधिकारी है उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको निर्देश दे रहे हैं कि किस तरह से जयपुर के साथ साथ में पूरे राजस्थान में इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी को रोका जा सके। इन सभी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अलग से सहायता कोष भी गठन किया जिसमें भी करोड़ों का फंड आ चुका है और लगातार इनकी जो जयपुर शहर और संभाग मुख्यालय और जयपुर जिले के साथ साथ में अन्य जिलों को भी अतिरिक्त फंड दिया गया है ताकि वो इस महामारी से जी लोकेश तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रदेश से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, कोरोना के आज भी 4 पॉजिटिव केसेस पर प्रदेश से सामने आए हैं, 83 पर पहुंच चुका है अब प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। हालांकि राहत की खबर यह भी है कि कई लोग इसमें से ठीक होकर अभी तक उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव बदल चुकी है।